और ये देखिए छोटी बाछी है यहाँ पे, और इसे मिलते हैं। ये देखिए ये है लोकेशन, यहीं पे सामने नज़दीक है ब्रीडिंग पॉइंट भी। बाकी सारा काम हो चुका है, गेहूँ लगा रखे हैं, तो हर साल यहाँ पे बुआ गेहूँ लगाती है, और ये अभी इसकी कटाई फिर तो ये दीप्ति भी है यहाँ पे। और दीप्ति कैसा लग रहा है, अब अगले महीने शादी है। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त जीत रावत, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जीत रावत ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ अपने बुआ और के घर पे। तो आज देख सकते हैं यहाँ पे घर का जो काम है, काम चल रहा है पुताई वगैरह का, देख सकते हो आप। पिछले महीने सगाई हुई थी, आपने ब्लॉग देखा होगा, और अब अगले महीने शादी है। तो अभी पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है, देख सकते हो पुताई वगैरह का काम हो रहा है। अंदर का तो लगभग भाई सारा काम हो चुका है, अंदर की पुताई वगैरह हो चुकी है, और बाहर का ये देख सकते हो आप, बाहर का काम चल रहा है अभी, थोड़ा बहुत काम रह चुका है बाहर का। ये देख सकते हो ऊपर पुताई का काम हो रहा है यहाँ ऊपर, और इस साइड को देख सकते हो आप, इधर भी हो चुका है पूरा लगभग सारा काम यहाँ पे देख सकते हो। और अभी जैसे कि छुटमुट काम थोड़ा बहुत रह चुके हैं, बस सफाई वगैरह का काम रह गया, अंदर पुताई वगैरह तो हो गया, पेंट वगैरह रह गया थोड़ा बहुत, और बाकी यहाँ पे बाहर ये जो दुकान वगैरह पे भी काम हो चुका है, और बाकी सारा कंप्लीट है। और इसके बाद जो ये काम निपटने के बाद बस थोड़ा बहुत काम रह चुका है, शॉपिंग वगैरह का काम रह गया। बाकी आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे वेडिंग पॉइंट वगैरह का भी दिखाऊंगा, सामने आपको दिखा सकता हूँ कि जो वेडिंग पॉइंट वगैरह बुक कर रखा है वो भी नज़दीकी है यहाँ से। ये देख सकते हो आप पीछे की साइड, इधर दिखाता हूँ, ये है नीचे पीछे की साइड, आप देख सकते हो यहाँ पर, इधर ये पीछे ये देख सकते हो आप लोकेशन, यहीं पे सामने नज़दीक है वेडिंग पॉइंट भी। बाकी सारा काम हो चुका है, और एक काम और रह गया यहाँ पे, ये देख सकते हो सामने गेहूं का खेत दिख रहा है आपको, ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में, यहाँ पे गेहूं बुआ ने गेहूं लगा रखे हैं, तो हर साल यहाँ पे बुआ गेहूं लगाती है, और ये अभी इसकी कटाई होगी 2-4 दिन बाद, जब भी यहाँ से आप फ्री होंगे इस काम से सफाई वगैरह के, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, गेहूं की कटाई कराई जाएगी, और ये काम भी निपटाने के बाद फिर दोबारा से जो छुटमुट काम रह जाएगा, तो जिस दिन ये कटाई वगैरह होगी गेहूँ की, तो उस दिन भी आपको ये ब्लॉग दिखाया जाएगा। तो आप बने रहिए अभी, और थोड़ा बहुत अभी और दिखाता हूँ आपको सारा, ये देख सकते हो बाहर से दिखाता हूँ, पूरा व्यू दिखाता हूँ घर का, ये सामने देख सकते हो इस तरीके से। और बताना ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कि घर पे कैसा लग रहा है, पेंट वगैरह ये देख सकते हो सामने, ये पूरा व्यू देख सकते हो आप इधर, ये रहा घर का पूरा ओवर व्यू दे रहा हूँ आपको सारा, ये सामने पेंट वगैरह देख सकते हो, और ये पीछे का बैकग्राउंड, और ये पीछे मैंने बता ही दिया यहीं पे वेडिंग पॉइंट वगैरह है, और जैसे शादी अगले महीने है। तो ये चलता हूँ मैं अंदर की तरफ, और अंदर का ही पूरा ओवर व्यू देता हूँ आपको, ये सामने देख सकते हो, इधर थोड़ा बहुत दीवारें वगैरह रहेगी, हल्का फुल्का रहेगा काम, और सामने इधर की साइड भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ऊपर चल रहा है पेंट का काम, तो ये सामने ऊपर पेंट वगैरह चल रहा है, तो ये भी निपटाया जाएगा, और बाकी उसके बाद थोड़ा बहुत रह गया। बाकी मैं भी थोड़ा बुआ से बात करवाता हूँ आपकी कि क्या क्या काम रह चुका है और क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मिलते हैं, अभी सीधा आपको दिखाता हूँ। बाकी काम रह चुका है अभी, वैसे शॉपिंग वगैरह का काम रह गया, जैसे भी बुआ और यहाँ सारा काम निपटाएंगे ये, तो उसके बाद जाएंगे वो शॉपिंग वगैरह, दिल्ली शॉपिंग करने जाएंगे, चांदनी चौक वगैरह जहाँ से भी कपड़े वगैरह लाने हैं। उसके बाद फिर अगले महीने शादी भी है, तो 2-3 दिन के अंदर वहाँ से अपना शॉपिंग वगैरह करके और फिर आना है, और बाकी जितने भी काम रह गए हैं उनको निपटाना है। तो मिलते हैं आप सीधा, थोड़ा बहुत बुआ से बात करवाता हूँ आपको। और यहाँ पे दीप्ति आज फूल भी लेके आ रखी है, ये देख सकते हो, ये आज फूल लेके आई हुई है, ये है सामने देख सकते हो। अरे बुआ से मैं बात करवाता हूँ, बुआ क्या क्या है फिर तैयारी, कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी रह गई है अभी? तैयारी तो अभी पुताई चल रही है, उसके बाद गेहूँ कटाई होगी, तब उसके बाद शादी की शॉपिंग होगी, तो यही काम चल रहा है, बस यही रहेगा। बाकी वेडिंग पॉइंट हो चुका है ना, बाकी वेडिंग पॉइंट सब और काउंटर सब की व्यवस्था हो चुकी है बस। और थोड़ा एक चीज और रह गया, कार्ड की छपवाने रह गए हैं, तो कभी कार्ड वगैरह भी छप जाएंगे, चाहे यही छपवाए चाहे दिल्ली चौहान से भी होगा तो छपवा देंगे। बाकी उसके बाद हमारा काम तो यही है, उसके बाद कार्ड वगैरह बांटेंगे, और फिर तो ये दीप्ति भी है यहाँ पे। और दीप्ति कैसा लग रहा है, अब अगले महीने शादी है, तो अब पूरी तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन हो रही है घर की, कैसी तैयारी चल रही है घर की? बहुत खतरनाक,
तैयारी सही चल रही है ना, सफाई देख सकते हो बिल्कुल। और ये फूल लेके आई अभी बढ़िया बढ़िया, और ये फूल वगैरह लगा रहे हैं अभी हम, तो आप वीडियो के साथ ब्लॉग के साथ बने रहे। अभी मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये सामने पूरा देख सकते हो आप, और बाकी दिखाता हूँ अंदर का भी आपको। और अभी थोड़ा फूल वगैरह भी लगाते हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तो चलते हैं। अभी दिखाने वाला हूँ, बुआ ने यहाँ पे गाय वगैरह भी रखी हुई है, तो थोड़ा एक बार दिखा लेता हूँ इधर की साइड। ये है गौशाला है ये बुआ और की, यहाँ पे देख सकते हो आप, इधर आप देख सकते हो यहाँ पे, इधर अंदर गौशाला है ये, ये देख सकते हो गौशाला। यहाँ पहले तो दो तीन गाय और थी, अभी एक दो गाय रह चुकी है, बाकी सारी बेच दी है। ये देख सकते हो, ये मैं आपको ले जाता हूँ, और ये देखिए छोटी बाछी है यहाँ पे, और इससे मिलते हैं। ये देखिए ये है बहुत अच्छी, यहाँ पे पहले दो तीन गाय और थी, और अब एक दो ही रह चुकी है, क्योंकि अब इतना वो भी नहीं रहता टाइम वगैरह। अब जैसे पहले तो काफ़ी दो तीन गाय और रहती थी बुआ की, तो अभी कम ही है। तो आप जैसे देख सकते हो, अब सारा ये दिखा रहा हूँ आपको, बाकी अंदर का भी दिखाएंगे और फूल वगैरह का दिखाएंगे अभी। तो मिलते हैं आपको सीधा थोड़ी देर, ओवरव्यू देते हैं। तो चलो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ थोड़ा अंदर का डेकोरेशन वगैरह, कैसे इंटीरियर डिज़ाइन कैसे दीपी ने करवा रखी यहाँ पे, पेंटिंग वगैरह पेंट वगैरह। ये देख सकते हो अंदर का पूरा ओवरव्यू, ये अंदर का देख सकते हो, यहाँ पे टेक्सचर करवा रखा है ये सामने, और इस तरफ की दीवारों पे ये वाला पेंट है। तो बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है, कैसे किस तरीके से यहाँ पे दीपी ने जो है यहाँ पे सजावट का ये जो पेंट वगैरह चूज़ किया है, कैसा लग रहा है ये देख सकते हो आप। और ये देखिए सामने, ये देखिए, ये देख सकते हो आप,